बिहार में द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव परिणाम से मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा एवं गायघाट प्रखंड क्षेत्र के कई निवर्तमान जनप्रतिनिधियों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि जहां पहले चरण के चुनाव परिणाम में पुराने चेहरों को वोटरों ने नकार दिया, जनप्रतिनिधियों की उम्मीदों के विपरीत परिणाम आया, वहीं दूसरे चरण के चुनाव परिणाम में भी वोटरों ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों को नकार दिया। कई जनप्रतिनिधियों को फिर से लौटने का अनुमान था, लेकिन पड़ोसी समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, वैशाली समेत विभिन्न जिलों में द्वितीय चरण को लेकर जो चुनाव परिणाम आए हैं, यह भी वर्तमान जनप्रतिनिधियों के होश को उड़ा दिया है। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे सामने आए हैं, मतदाताओं ने बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसके वजह से बंदरा एवं गायघाट के वर्तमान जनप्रतिनिधियों के भी होश उड़ने लगे हैं। चुनाव परिणाम के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा बदलाव वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के पद पर हुए हैं। कई जगहों पर पुराने सरपंच, पंच बरकरार रहे हैं, तो कई जगहों पर इन पदों के लिए भी बदलाव के जनादेश मिले हैं। आपको बता दें कि बंदरा एवं गायघाट प्रखंड क्षेत्र में 24 नवंबर को मतदान कराए जाने हैं। नामांकन की प्रक्रिया अक्टूबर माह में ही होनी है। इस बीच चुनावी समीक्षकों एवं ग्रामीण राजनीति के जानकारों का बताना है कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों में उनके कार्यशैली को लेकर वोटरों में नाराजगी है, जिसके जवाब वोटरों को नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीण सूत्रों एवं चर्चाओं को माने तो वोट मांगने पर जनप्रतिनिधियों को कई सवालों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बताया जाता है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी कार्यशैली का विश्लेषण करने का दौर मतदाताओं में शुरू है। ग्रामीणों में विकास कार्य को लेकर कई सवाल हैं। जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली एवं सामाजिक व्यवहार परिणाम को बदल रहे हैं। नल जल योजना की गुणवत्ता पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। 5 सालों के अंदर घर घर इसके नहीं लगने की वजहों को भी पूछा जा रहा है। लोग इसकी भी जवाब ढूंढ रहे हैं कि यदि नल जल योजना का काम हुए भी हैं तो हर घर नल क्यों नहीं लगे, यदि लग भी गए हैं तो समय समय पर जलापूर्ति क्यों नहीं हो रही, सड़क निर्माण का काम उनके गांव तक क्यों नहीं हुआ, जब गांव की सड़क नहीं बनी तो चौड़ों में खेत खलिहान के हिस्सों में गीदड़ों, जंगली सुअरों आदि के चलने के लिए सड़कें क्यों बने, यदि चौड़ के हिस्से में सड़क बन सकती थी तो फिर गांव के टोलों, कस्बों की संपर्क सड़कें क्यों नहीं बनी, कहीं विवाद था तो प्रयास क्यों न हुआ, पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण क्यों न हो सका, यदि हुआ भी तो पंचायत के राजस्व गांव या सभी गांव के मध्य में इसके निर्माण के बजाय चौर के हिस्से में पंचायत सरकार भवन का निर्माण क्यों हुआ, सामुदायिक भवनों का हाल बेहाल क्यों है, पंचायत भवन पहले से बने हैं तो उसका बदतर हालात क्यों है, पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर काफी देर से और महीनों बाद क्यों खुले, यदि खुले भी हैं तो यहाँ रोजाना कर्मियों की उपस्थिति क्यों नहीं हो पाती है, होता भी है तो आम लोगों, गरीब गुरबों के कामों का निष्पादन सहज और समय से क्यों नहीं हो पाता, तो प्रमाण पत्र बिचौलिया आसानी से कैसे बनवा लेते हैं, आवास योजना में रिश्वत और बिचौलियों की संख्या में इजाफा कैसे हो गया, बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी की तबाही से हर साल लोग परेशान होते हैं, बरसात की जल जमाव अलग परेशानी बनती है, जल निकासी का अस्थायी समाधान क्यों नहीं हो सका, जल जमाव की वजहों से बंदरा का पूर्वी और पश्चिमी इलाका के अलावे गायघाट के कई पंचायत का इलाका तंग तबाह रहता है, यहां नहर निर्माण का प्रयास क्यों नहीं हो सके, 5 साल पहले घर घर जाकर उनका सेवा निष्काम करने का आश्वासन दिया गया था, हर लाभ 100% दिलाने का भरोसा दिलाया गया था, कई वृद्ध माताएं पूछ रही हैं कि उन्हें पेंशन अब तक क्यों नहीं मिल सका, प्रतिनिधियों को वृद्ध माताओं में जवानी और जवान महिलाओं में बुढ़ापा कैसे और क्यों नजर आए, कई मुस्मात अबला महिला पूछ रही है कि उनकी अनदेखी क्यों की गई, उन्हें अब तक पेंशन क्यों नहीं दिलाई गई, उनके पति के मौत पर सहानुभूति जताने और फोटो खिंचवाने वाले नेताओं को पेंशन दिलाना और राशन दिलाना भी क्यों संभव न हो सका, अभी जिन वोटरों के घरों पर जाकर पैरों पर गिरते और हाथ जोड़ते प्रत्याशी नहीं थकते, वैसे मतदाताओं और ग्रामीणों के पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों के सहज दर्शन क्यों नहीं होते थे, प्रतिनिधित्व काल में अकड़ने वाले लोग अभी सहज कैसे हो गए, जब गांव की गलियां, गांव की सड़कें सिकुड़ती चली गई तो जनप्रतिनिधियों के घरों तक जाने वाले सड़कें कैसे फैल गई, जब सरकार की कई योजनाएं चलती रही, लाखों रुपए उन पर खर्च होते रहे, गरीबों के नाम पर काफी कुछ हुआ,
तो उन गरीबों की हालात बदतर क्यों है? गरीबों को जब राशन कार्ड का आवंटन किया गया तो क्षेत्र के अंतिम पंक्ति के गरीब, अबला, बीमार, लाचार लोग खाने पीने को क्यों तरसते हैं? जब घर घर विद्युत आपूर्ति सहज करा दी गई तो उनके गांव गलियों की विद्युत पोल तार जर्जर क्यों है? जब समाज में सामाजिक सौहार्द बना हुआ है तो उनके इलाके के केस मुकदमे थानों में कैसे दर्ज होते रहे? जब स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, हाई स्कूलों में पठन पाठन सुदृढ़ है, उनके पंचायत क्षेत्र की कॉलेज का शैक्षणिक माहौल बेहतर है, तो हाई स्कूल और कॉलेज गोइंग छात्र छात्राएं कम उम्र में ही कैसे लव मैरिज के शिकार और घर से भागने के काबिल होते रहे? स्कूल कॉलेजों में जब लगातार पढ़ाई के माहौल बने रहे तो छात्र छात्राओं को यह सब करने की फुर्सत कब और कैसे मिलती रही? जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों पर हाथ जोड़ते और सर पटकते नहीं थकते हैं। उनके इलाके के ब्रह्म स्थान, काली स्थान, छठ घाट, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, मदरसा, मस्जिद आदि स्थलों का जीर्णोद्धार, नल जल योजना का यहाँ सुविधा, विद्युत आपूर्ति की सुविधा, सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा, चबूतरे का निर्माण, मिट्टी वर्क, नाला निर्माण, जल निकासी, PCC ढलाई आदि कार्यों का विकास क्यों नहीं हुआ? लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जो देवताओं को ठग सकता है वह इंसानों या इलाकों का कैसे उद्धार कर सकता है? ऐसे न जाने कई सवालों के जवाब कई जनप्रतिनिधियों को देने पड़ रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों को और यहाँ के जिम्मेवार मतदाताओं को ऐसे कई तरह के सवालों के जवाब सुनने की बेताबी है। लिहाजा जवाब के अभाव में लोग सवालों को सहेज रहे हैं और इन सवालों को ध्यान में केंद्रित कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्य पद के कई पदों पर वर्तमान प्रतिनिधियों के बदलाव के संकेत हैं। बंदरा पूर्वी एवं पश्चिमी समेत गायघाट प्रखंड के वोटरों एवं ग्रामीणों को बेसब्री से नए चेहरों की तलाश है। जो वर्तमान प्रत्याशियों के लिस्ट यहां चर्चा में है उस पर ग्रामीणों एवं वोटरों में कई बातों को लेकर जीच है। ग्रामीण समीक्षा एवं चर्चा कायम है, कई चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों में यह चर्चा है कि अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को अनदेखी करने का परिणाम है कि इलाका पिछड़ता गया, इलाके की स्वाभिमान पर सवाल उठते गए। यदि पद के काबिल सच्चे एवं अच्छे उम्मीदवार का सही चुनाव हुआ होता तो क्षेत्र और समाज का यह हालात शायद नहीं हुआ होता। लिहाजा इलाके के लोगों में कई बातों को लेकर गंभीर मंथन, चिंतन और चर्चा का दौर जारी है। वहीं वर्तमान प्रत्याशियों एवं जनप्रतिनिधियों की जागरूक मतदाताओं में इस तरह के सवालिया मंथन से और बिहार में पंचायत चुनाव के मिल रहे परिणामों से वर्तमान जनप्रतिनिधियों के होश खराब होने लगे हैं। आपको बता दें कि मिल रहे ताजा जनप्रतिक्रियाओं के मुताबिक बंदरा एवं गायघाट प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के 80% से ज्यादा पदों पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इन पदों के ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों में मिलनसार, ईमानदार और शिक्षित प्रत्याशियों के प्रति दिलचस्पी दिख रही है। हालांकि होगा क्या, इसकी A to Z न्यूज लाइव गारंटी या दावा नहीं करता है, यह चुनाव परिणाम ही बता पाएगा। यह वोटरों के मन मिजाज पर ही निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल इलाके में क्रिया प्रतिक्रियाओं एवं चर्चाओं का बाजार गर्म है। इलाके के लोग अपने हिसाब से समीक्षा करने में लगे हैं। जहां लोग जुट रहे हैं, समीक्षाओं का दौर शुरू हो जा रहा है।